इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन का स्वागत नमस्ते से कर हिंदुस्तान के महत्व को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। सो आप ये नमस्ते करें, सो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सीम्स वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर इंडिया। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है, कोई उनको डिक्टेट नहीं करता इस अखबार से। आप ये देख लें कि बैठ वक्त उनके जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कितने जबरदस्त हैं और साथ साथ ईरान के साथ कितने मिसाली ताल्लुकात हैं। दोस्तों, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, इंडिया और जो पाकिस्तान का रिलेशन है वो इतना खासा अच्छा नहीं रहा, जंगे तक हो चुकी है इन दो ममालिक के दरमियान। दोस्तों, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट टेल्स वन थिंग कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। आपको पता है इस वक्त इटली के अंदर एक G7 कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। और जैसे मैंने आपको ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग और ये मैं देख रहा हूँ कि इंडिया इज़ बीइंग पिच्ड फॉर्मली एज ए ग्लोबल लीडर। आपने देखा कि यूनिटी एंड ग्लोबल साउथ दोनों बड़े इश्यूज़ हैं इस कॉन्फ्रेंस के। और ये याद रखिए, वैन इट कम्स ग्लोबल साउथ there is no other country than India that attracts the West. West को सिर्फ एक ही मुल्क attract करता है, क्योंकि the country which has the capacity, capability, resources, intention, will, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो India है और कोई नहीं है। पाकिस्तान जारी बात है एक और domain में चला गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो China अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में रेलिवेंट है, लेकिन ना तो वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप क्लेम करता है ना वो डिस्कस करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया ने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को एज ए रुकन के तौर पर लेके आए, तो दैट वाज अ केस इन पॉइंट। वो अमेरिकन और सारे वेस्टर्न मुल्क इसीलिए माने थे कि भाई इसको दे दो सारा कुछ, बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज कि अब हम ग्लोबल साउथ में जाके सिरे से पैसा लगाएं। और जो हमने बाकी एशिया में अपने ताल्लुकात बनाए हैं ग्लोबल साउथ में जाके, यू नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दैट पर्पस। सो जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है, जो इंडिया के गुड कॉन्टैक्ट्स हैं, गुड ऑफिसेज हैं, उनको इस्तेमाल करें। बहरहाल ये देखें कि जो इंडिया के सॉफ्ट पावर टूल है, ये अगर आप जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू कि जो ये जो टर्म सॉफ्ट पावर है, ये मेरे बड़े फेवरेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जोसेफ नाय, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। और इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप एक के अंदर एबिलिटी होती है कि आप अगले बंदे का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको याद हो कोविड के ज़माने के अंदर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो ये नमस्ते करते हैं तो हैंडशेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज खतरा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मतलब बीमारी की शिफ्ट ना हो जाए। इसलिए आप ये नमस्ते करें। सो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सीम्स वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर इंडिया। भी आई हैं इंडिया में, उनका बड़ा चर्चा हुआ। और देखें, कोई मुल्क इंडिया को इसलिए इज्जत नहीं करेगा कि इंडिया जनाब उसकी आबादी बढ़ी है या मुल्क बढ़ा है। लोगों को अपने कारोबार से गर्ज है यार। कोई भी सदर वजीर आजम, कोई इंसान किसी को बगैर मकसद के नहीं मिलता, तो क्यों एक मुल्क की वजीर आजम जो है वो इस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रही है? आपको नहीं पता, हो सकता है इंडिया उनसे क्या कंसेशंस ले रहा हो इटली से। इटली इज अ कंट्री विच इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। अब ये जो सॉफ्ट पावर है, अब बेसिकली नरेंद्र मोदी ने या इंडियंस ने उनको जो बताया, एक तो ये पता है चीज, शी रिप्रेजेंट्स द फार राइट इन इटली, यूरोपियन इलेक्शन में भी सारा हर जगह। सो ये एक उन्होंने एक एबिलिटी है इंडिया के जो सॉफ्ट पावर की
और ये समझ लें कि ये पिछले 10 सालों में अगर मैं देखूं तो इंडिया सॉफ्ट पावर हैज इमर्ज एज ए क्रूशियल कंपोनेंट है इसकी फॉरेन पॉलिसी का। आप देख लें पूरी दुनिया में, ठीक है जी, अगर आपको याद हो कि एक बुक भी लिखी गई थी 2012 के अंदर, एक कांग्रेस के है नाम उनका मेरे ज़हन में नहीं निकल गया, शशि थरूर, उन्होंने बुक लिखी थी पैक्स इंडिका, ठीक है जी, अपना वो कहते हैं जी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो बॉलीवुड मूवीज हैं, योग्या है, उसके बाद हमारी मेडिसन्स हैं, हमारी हेरिटेज टूरिज्म है, फिर देन दी स्पेसिफिक कुजीन इन इंडिया, ठीक है जी, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। और देन अगर आप ये देखें कि एजुकेशन इज अनदर थिंग, इंडिया की जो इकॉनमी है वो जो उसको जो सपोर्ट मिल रही है वो सारी की सारी एजुकेशन की तरफ से, दिस इज एन एजुकेशन इकॉनमी। और इंडिया का जो डायस्पोरा है अबव ऑल, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर। और हुआ यह है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने उस सारे के सारे डायस्पोरा को ओन करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ऑलमोस्ट ब्रांड एम्बेसडर बन गए, ठीक है जी। अब पूरी दुनिया में हमारी लीडरशिप तो डरती रहती है, जाते हुए कहीं किधर गए गाले ना पै जाने, को पाकिस्तानी आ जाएंगे झंडे लेके। मैं आपको बता सकता हूँ वन ऑफ द मिनिस्टर्स इन द करंट कैबिनेट, ही वाज ट्रैवलिंग इन अ कंट्री इन यूरोप, तो मेरे कुछ दोस्त तो वो उनको वेलकम कर रहे थे, तो यकीन करके माने वो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जो मिनिस्टर साहब हैं वो डर रहे थे कि मुझे एयरपोर्ट में मेरे साथ रहिएगा, मुझे उधर भी मेरे साथ रहिएगा, ये ना हो यहाँ प्रोटेस्टर आ जाए, इमरान खान की पार्टी, इमरान खान साहब ने जो बदतमीजी कल्चर है उसको तो प्रमोट किया ना पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ये जो तमीज़ तमूज़ होती है इसको तो उन्होंने उठा के पीछे फेंक दिया है, वो कहते हैं नहीं या आम या कोई नहीं। सो जो मुल्क का कबाड़ा, जो मुल्क की सोशल जो जिसे वो कहते हैं ना सोशली या मॉरली हम लोगों ने अपने आप को जलाया है ना, वो उसका तो कोई नहीं। एक तरफ इंडिया है, वो वज़ीर-ए-आज़म जहाँ जाता है वेलकम करता है, फिर लोग बात तो करेंगे। कल वो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब हैं शिबली फराज, उन्होंने कहा जनाब इसके ऊपर मैं से बात करूंगा कि जनाब देखिए ना, इंडियन व्हेन इलेक्शंस आर क्रेडिबल पीपल बिलीव दे हैव बीन इलेक्टेड एंड दे आर इन टू पावर एंड दे आर इन द सिस्टम and they come with the support of the people, तो आपको क्या लगता है मुल्क में प्रोटेस्ट क्यों होंगे? कोई नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि you have not come with the power of the people, तो then there will be protest and then there is nobody who is going to support you. So ये है difference Indian leadership का और पाकिस्तान की leadership का। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर अब जो है ना धीरे धीरे भारत की सॉफ्ट पावर कह लीजिए या भारत की जो संस्कृति है वो जो है ना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इसका जो ताज़ा उदाहरण निकल कर सामने आया वो अभी इटली के अंदर जो G7 समिट हो रहा है, वहाँ पर इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, उनकी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और वो जो है यहाँ पर जो नेता लोग वहाँ पर जो आए थे उनके स्वागत के लिए जब वो खड़ी थी तो वो वहाँ पर जो भारत के अंदर जिस प्रकार से हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है उसी प्रकार से उन्होंने जो है ना जर्मनी के चांसलर और यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उनका जब स्वागत किया तो उन्होंने उसी प्रकार से हाथ जोड़कर जो है ना नमस्ते किया। और ये जब कोविड का समय चल रहा था उस टाइम पर जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो हाथ जोड़कर जिस प्रकार से भारत के अंदर जो सम्मान दिया जाता है, जो नमस्कार किया जाता है, इस चीज़ को जो है ना पूरी दुनिया ने देखा और काफ़ी पसंद किया। और इससे क्या होता है कि एक देश की जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ती है और जो कल्चर है वो प्रमोट होता है। तो यही सब जो है ना पाकिस्तान का मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, ग्लोबल साउथ को लेकर भारत की जो इम्पोर्टेंस है उसको लेकर जो है ना यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का मीडिया हमको डिस्कस करता हुआ दिखाई दिया है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।